हाय गाइस नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑक्सीजन ओएस 10.3.9 के बारे में, जो कि वन प्लस 6T से पोर्ट किया गया है अपने शामी MI2 डिवाइस के लिए। इससे पहले भी दोस्तों बहुत सारी पोर्ट अवेलेबल हुआ है अपने शामी MI2 डिवाइस के लिए ऑक्सीजन ओएस का, बट ये जो वर्सन है काफी बढ़िया है। ऑक्सीजन ओएस 10 जो है काफी ज्यादा स्टेबल हो गया है, बट ऑक्सीजन ओएस 11 जो है अपने MI2 डिवाइस के अंदर बूट तो कर रहा है, बट बहुत सारी बग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। बात कर लेते हैं जो ऑक्सीजन ओएस 10.3.9 है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें किया गया है, क्या क्या बग फिक्स किया गया है, सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर मालूम चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। जैसे देख पा रहे हो स्नैपड्रैगन का 845 लगा हुआ है, जो कि वन प्लस 60 है। एंड्रॉइड जो वर्सन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है। जो सिक्योरिटी पैच अवेलेबल है दोस्तों February 1, 2021 का है, तो थोड़ा सा पुराना है। जो कर्नल यहाँ पर MI2 डिवाइस के अंदर यूज किया गया है दोस्तों हेलकॉन का EAS वर्सन 3.6 कर्नल यूज किया गया है। ये जो हेलकॉन कर्नल है काफी बढ़िया है, बैटरी सेविंग सबको काफी बढ़िया करके देता है, जो कि काफी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। एंड जो ऑक्सीजन ओएस का वर्सन है वो भी आप देख पाओगे 10.3.9 करके हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि वन प्लस 60 का जो बीटा जो बिल्ड है स्टेबल बिल्ड है वहां से लिया गया है। तो बात कर लेते हैं ऑक्सीजन ओएस के इस बिल्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले भाई सब ये जो बिल्ड है काफी ज्यादा स्टेबल बिल्ड है, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं इशू के बारे में जो मैंने फेस किया है। यहाँ पर आपने शायद एक चीज नोटिस किया होगा, आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है लाइट अप होता है। यहाँ पर अगर आपका फोन को आप लॉक कर देते हो, लॉक करने के बाद भी आपका जो फोन है उसको पूरा कंप्लीटली लॉक नहीं होता है। यहाँ पर जो जो डिस्प्ले देख पाओगे ये डिस्प्ले अभी भी ऑन है दोस्तों, इसलिए आपका जो बैटरी ड्रेन है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा सा क्या भाई बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो MI2 डिवाइस है इसके अंदर है LCD स्क्रीन, इसके अंदर तो AMOLED नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो दोस्तों लॉक होने के बाद भी आपका जो स्क्रीन है टोटली दोस्तों बंद नहीं होता है। आपका जो स्क्रीन है यहाँ पर अभी दोस्तों ऑन रहता है, जो कि काफी बुरी बात है, इसलिए बैटरी ड्रेन जो है काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है देखो। एंड एक मेजर इशू हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो देखो फिंगरप्रिंट सेंसर देखिए टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है, नो इश्यू एट ऑल, फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर रहा है, बट आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर डालने के बाद आपका जो फोन है तो वो बंद नहीं होगा, ये इशू मैंने नोटिस किया है। तो चलते सीरीज के अंदर, सीरीज अगर बात करूँ ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। अगर बात करूँ वाईफाई की तो वाईफाई काम कर रहा है, 2.4 GHz 5 GHz दोनों काम कर रहा है, मैंने टेस्ट करके देख लिया है। अगर बात करूँ हॉटस्पॉट की तो हॉटस्पॉट अभी टेस्ट कर लेते हैं, एंड हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है दोस्तों, बट हॉटस्पॉट अगर आप यूज करते हो तो आपका जो वाईफाई बंद हो जाता है। हॉटस्पॉट और वाईफाई के अंदर सब एक ही चीज को एक टाइम यूज कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर, जो कि एकदम ही बेकार बात है, दो चीज को एक साथ यूज करना चाहिए था। एंड अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ के साथ मैं फाइल को ट्रांसफर करके देखा है वो काम कर रहा है, बट अगर आप ब्लूटूथ के साथ गाना वाना सुनते हो तो कैसा होता है आई डोंट नो, एंड वॉइस कॉलिंग भी कैसा हो रहा है मैंने ट्राई करके नहीं देखा है। एंड डिस्प्ले की अगर बात करो तो डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस का भी कोई इशू नहीं है, ब्राइटनेस जो है काफी अच्छा है, ब्राइटनेस जो लो ब्राइटनेस है वो भी काफी बढ़िया है, कोई भी फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम मैंने नोटिस एज फॉर नाउ नहीं किया है। यहाँ पर हमें नॉच डिस्प्ले करके भी देखने को मिल जाती है अगर आप चाहो तो। ये जो चीज दिया गया है दोस्तों MI2 डिवाइस के लिए नहीं है, तो कोई भी काम का नहीं है। वीडियो एनहांसर भी देखने को मिलता है, जो कि अगेन MI2 डिवाइस के लिए कोई भी काम का नहीं है। यहाँ पर सर्च बार की अगर बात करूँ दोस्तों, आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो आप दिखा पाओगे, आपका स्पीड को दिखा पाओगे, बैटरी बार को भी आप यहाँ पर दिखा पाओगे। कस्टमेशन के अंदर चलते दोस्तों देख लेते क्या क्या कस्टमेशन है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों जो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीम्स को नहीं दिया गया है, इसके साइबरपंक थीम और मेटल एडिशन इस तरह की जो थीम्स होती है उसे नहीं डाला गया है। एंड यहाँ पर सिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात हमें यहाँ पर लगती है। बाकी यहाँ पर दोस्तों जो लाइट मोड है डार्क मोड है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो अपना फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के अंदर जो एनिमेशन होता है दोस्तों उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो, अलग अलग एनिमेशन को फिंगरप्रिंट का उसे भी यहाँ से डाल पाओगे। बाकी आइकॉन पैक को फ्रंट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जिस तरह से वन प्लस का फोन देखने को मिलता है उसी तरह से है, ज्यादा कुछ दोस्तों यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है, ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जैसे कि ज्यादा फॉन्ट्स नहीं है, ज्यादा वॉलपेपर को नहीं डाला गया है। वॉलपेपर की अगर बात करूँ कौन कौन से वॉलपेपर है देख लेते हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर देखने को हमें नहीं मिलता है, कुछ गिने चुने वॉलपेपर डाल दिया गया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। एंड शायद ये जो बिल्ड है ऑक्सीजन ओएस 10 का लास्ट बिल्ड है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन ओएस 11 देखने को मिले। एंड यही सभी वॉलपेपर हमें देखने को मिल गया है इस बिल्ड के अंदर, इसके अलावा आपको और कोई भी वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है। एंड बाकी यहाँ पर जो बटन्स के अंदर जो कलर है उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, सभी तो ऑप्शन हमें देखने को मिली जाती है। एंड यहाँ पर हमें टच वाइब्रेशन भी दिया गया है, एंड
उसके साथ अगर आप डॉल्बी एटमोस यूज़ करना चाहते हो तो आपको मैजिक्स को फ्लैश करना होगा, वो भी काफ़ी बढ़िया है, वो भी काम कर रहा है। एंड बटन्स एंड गेस्चर्स भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पर गेस्चर्स यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ से बटन्स को भी यूज़ कर सकते हो, बटन्स के अंदर भी कोई भी इशू वाली बात नहीं है, बटन्स भी फर्स्ट क्लास काम करते हैं। बट मेरे को पर्सनली जो गेस्चर्स है वो ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर जो गेस्चर्स है उसे यूज़ करना चाहूँगा। एंड जो बॉटम बार है उसे भी आप हाइड कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ये जो बिल्ड है काफ़ी मस्त सा बिल्ड है, डेफिनेटली इस बिल्ड को आपको ट्राई करके देखना चाहिए। एंड इस बिल्ड को किस तरह से फ्लैश करते हैं वो भी मैं बोल दूंगा, क्योंकि ये जो बिल्ड है नॉर्मली जिस तरह से रॉम फ्लैश होता है उस तरह से फ्लैश हम नहीं कर पाएंगे एंड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो अगर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक देखने को मिलता है, जो फेस अनलॉक है इसे ट्राई करके देखते हैं, इसे डालते हैं। सो फेस को डाल दिया है, नाउ टेस्ट करके देखते हैं कैसा आता है फेस अनलॉक। ओके, बहुत फास्ट है भाई, सभी देखो आपने देख लिया, बहुत 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 फास्ट है। और एक बार अभी फिलहाल देखो लॉक है, देखिए मेरा जो फेस अनलॉक है एकदम ब्लेजिंग फास्ट है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, फिंगरप्रिंट भी काम कर रहा है, जो काफी बढ़िया बात है। सो फिंगरप्रिंट सेंसर एंड जो फेस अनलॉक है दोनों ही काम कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। लोकेशन और जीपीआरएस के साथ मैंने कोई भी इश्यू फेस नहीं किया है, वो भी काम कर रहा है। एंड अगर बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप के रिलेटेड मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने देखा जो बैटरी 96% के आसपास था, अभी 94 हो गया है, बैटरी के अंदर ड्रेन नहीं है। बट द थिंग इज दैट जब आप लॉक करते हो तो आपका जो फोन है कम्प्लीटली लॉक होना चाहिए, कम्प्लीट लॉक नहीं होता है, आपका फोन अभी भी ऑन है, इसलिए जो बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। सो एक चीज आपको ध्यान में देना होगा, एक चीज आपको वीडियो में शुरुआत में मैंने बोल दिया, तो आप डिसाइड कर सकते हो क्या इस फोन को ट्राई करना चाहते हो। तो बाकी आप देख सकते हो 12 मिनट आगो मैंने फुल चार्ज किया था, 9 मिनट का यूजेस है, 94% के आसपास यहाँ पर बैटरी अभी भी है, 6% के आसपास बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ओवरऑल बैटरी रेंज का कोई भी इशू नहीं है, बैटरी फास्ट क्लास काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। सो अगर आपको एक ऑक्सीजन का फील लेना है, एक स्टेबल बिल्ड चाहिए, ऑलमोस्ट स्टेबल बिल्ड चाहिए, तो इसे आप यूज कर सकते हो। एंड नाउ बात करें दोस्तों इसे किस तरह से फ्लैश करते हैं, बट उससे पहले आपको मैं जो कैमरा ट्रिप है ये सब दिखा दूं। कैमरा ट्रिप की बात करूं, लेवल 3 के सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो जो गूगल कैमरा रहेगा वो भी उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको इस रॉम के अंदर कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करूं गिग बेंच की, तो भी चेकआउट कर लेते हैं। एंड गिग बेंच के अंदर चलते हैं, गिग बेंच के अंदर देख पाओगे हमने दो दो दफा टेस्ट किया है, 3324 सिंगल कोड मल्टी कोड के लिए 1022, 3322 जो सिंगल कोड का परफॉर्मेंस आया दोस्तों वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। एंड मल्टी कोड का जो परफॉर्मेंस वो भी ठीक ठाक है, एवरेज से कम है ऑफकोर्स। एंड जो हेलकॉन का है दोस्तों वो इतना ज्यादा परफॉर्मेंस सेंटिक नहीं है, इसलिए हमें सिंगल कोड मल्टी कोड के अंदर ज्यादा जो है देखने को नहीं मिला है स्कोर्स। बट डेफिनेटली दोस्तों जो डेली लाइफ के अंदर जो टास्क है वो ऑलमोस्ट आप कर सकते हो, इस रॉम के साथ कोई भी इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। सो सिंगल कोर और मल्टी कोर का जो स्कोर है कम होने का पीछे जो मेन रीजन है दोस्तों हेलकॉन कर्नल प्लस ऑक्सीजन ओएस। एंड अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी नेट की, उसे भी ट्राई करके देखते हैं। हमने जो मैजिक हाइट है मैजिक मैनेजर के अंदर से उसे इनेबल कर लिया है, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर फील्ड हो गया है, और एक बार ट्राई करके देखते हैं। से चलते मैजिक के अंदर, उसके बाद यहाँ पर जो मैजिक हाइट है इनेबल है, देखिए बारो। एंड अभी जो अपना सेफ्टी नेट है उसे और एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो सेफ्टीनेट के साथ मालूम चल जाता है जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं, फेल्ड हो गया है, इसका मतलब है जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम यहाँ पर नहीं करेगा। बट थिंग इज दैट दोस्तों यही सेम टेस्ट को हमने रन किया था इससे पहले, तभी दोस्तों हमें यहाँ पर जो पास है उसको करके लिखा गया था। सो हमने इस टेस्ट को 19 अप्रैल को ट्राई किया, तभी दोस्तों हमें यहाँ पर पास करके लिखा गया, बट अभी यहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है। सो यहाँ पर कोई इशू हो सकता है, बाकी आप ट्राई करके देखना बैंकिंग एप्लीकेशन काम करते हैं नहीं इस रॉम के अंदर और नहीं। एंड अगर बात करें सीपीयू थ्रॉटलिंग की, तो हमने 10 मिनट के लिए जो टेस्ट इसे रन किया था, आप जो मैक्स गया है 102, एवरेज 85, मिनिमम है 77% का परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग देखने को मिला है। ग्राफ के अंदर देखिए दोस्तों जो परफॉर्मेंस किस तरह से डाउन हो रहा है। एंड 5 मिनट के लिए हमने और एक बार टेस्ट किया, 126 गया है मैक्स, एवरेज 94, मिनिमम है 82, 75% का परफॉर्मेंस हमें देने को मिला है। सो जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख ही पा रहे हो जो परफॉर्मेंस है एकदम ही बढ़िया नहीं है इस रॉम का और इस कर्नल के साथ, क्योंकि दोस्तों जो ऑक्सीजन ओएस है बेली बेसिकली एक्सपीरियंस करने के लिए है कैसा है ऑक्सीजन ओएस, उसे आपको अगर आप चेकआउट करना है तो इस बिल्ड को फ्लैश कीजिए। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको प्रॉपर जो कस्टम रॉम देखने को मिलता है जो कॉर्बस ओएस से, हैवॉक ओएस से, एवोल्यूशन एक्स से, सभी रॉम के ऊपर जाइए, आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट अगर आपको ऑक्सीजन ओएस कैसा होता है वन प्लस फोन के अंदर उसे एक्सपीरियंस करना है, तो आपको इसी रॉम को ट्राई करना होगा। नाउ बात कर लेते हैं इसे इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जिस तरह से रॉम को फ्लैश करते हैं उस तरह से फ्लैश हो नहीं सकता है। सबसे पहले आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बूट इमेज का, वेंडर का एंड सिस्टम का जो फाइल है जो लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। 3 फाइल आपको डाउनलोड करना होगा, बूट
वेंडर एंड आपका सिस्टम, तीनों को डाउनलोड करने के बाद तीनों को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको पहले जो बूट इमेज है उसे फ्लश करना होगा, उसके बाद आपको सिस्टम इमेज को फ्लश करना होगा एंड वेंडर इमेज को फ्लश करना होगा। उसके बाद अगर आपको रूट की जरूरत है तो मैजिक्स को फ्लश कीजिए एंड रिबूट टू सिस्टम में टैप कर दीजिए। जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर भी आप फॉलो करके देख सकते हो। होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।